मित्रों, हमारा मन बहुत ही चंचल है और इसका सिर्फ एक ही कारण है, हमारे जीवन में हमारी अधिक इच्छाओं का होना। हमारी इच्छाएं अनंत है, लेकिन उन्हीं अनंत इच्छाओं में से कुछ इच्छाएं हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और वह हम पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहां पर हमारी गलती यही होती है कि हमारा इच्छा शक्ति दृढ़ नहीं होता। लेकिन इसी बीच अगर इच्छा शक्ति दृढ़ हो तो मन काबू में आ जाता है, और यही सब में नहीं होती। पहले के जमाने में अगर देखा जाए तो गुरुकुल में पढ़ाई जाती थी कि ध्यान कैसे करे, अपने मन को कैसे समझे, अपने भीतर में जागरूकता से कैसे देखे। पहले के समय की पढ़ाई भी तनाव रहित और रचनात्मक होती थी। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज के जमाने में ठीक पहले से विपरीत हो रहा है। आज हम अपने मन के गुलाम बनते जा रहे हैं। हमारे जीवन में हमारा मन जैसा हमें नचाता है, हम नाचते रहते हैं, घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, और जीवन के अंत में हमें ये पता चलता है कि हमने पूरे जीवन में तो कुछ किया ही नहीं। हमने अपने जीवन में समय रहते ही बहुत कुछ काम किया, लेकिन अपना घर तो हमने ढूंढा ही नहीं। पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ हम मन के अनुसार चलते रहते हैं, मन के अनुसार हम काम करते गए, और यह मन हमें दुनिया में भटकाता रहा। इसी से जुड़ी एक गुरु और शिष्य की कहानी, जिसको अगर आपने समझ लिया तो आप भी अपने जीवन में अपने मन को अपने अनुसार चला पाएंगे, और आपका मन भी आपका एक सच्चा मित्र बनकर आपके साथ चलेगा। इसलिए इस कहानी को ध्यान से समझिएगा। कहानी शुरू होती है एक प्राचीन समय के छोटे से गांव से। किसी गांव में एक शिष्य भागा जा रहा था। वह इतना तेज भाग रहा था और इतना खुश था कि उसने अपने खुद की सुध-बुध भी खो दी थी। वह अपने आप में इतना खोया था कि बिना कपड़ों के ही वह सड़क पर दौड़ रहा था। उनको दौड़ते हुए गांव के कई लोगों ने उन्हें देखा, कई लोगों ने उन्हें चिल्लाकर भी कहा, लेकिन उन्होंने फिर भी किसी की नहीं सुनी। वह भागा जा रहा था, दौड़ा जा रहा था। फिर गांव के लोगों ने दौड़कर उन्हें पकड़ा और उन्हें दिखाया कि वह कपड़ा नहीं पहना हुआ है। जैसे ही शिष्य को यह बात समझ में आई कि उन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए हैं, तो उन्होंने तुरंत कपड़े पहने और फिर दौड़ते दौड़ते अपने गुरु के पास पहुंचे। आश्रम में पहुंचते ही वे सबसे पहले अपने गुरु के चरणों में गिर गए और उनसे कहा कि मिल गया गुरुदेव, मिल गया, हमें सब कुछ मिल गया, हमें वो चीज मिल गई जिसकी मुझे तलाश थी। गुरु ने आश्चर्य की भाव से पूछा कि वत्स, क्या मिल गया? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, वह मालिक मिल गया जिसका मैं आज तक गुलाम हूँ। उनकी बातों को गुरु ने ठीक से समझा और उनसे कहा कि वह मालिक कौन है? शिष्य बोले, मेरा मन गुरुदेव, मेरा मन ही मेरा मालिक है, और इस दुनिया में हम सभी लोग उसकी गुलामी करते रहते हैं। गुरु ने कहा, यह बात तो बहुत ही अच्छी है कि आखिर तुमने तो यह समझ लिया, लेकिन मेरी दुविधा यह है कि तुम्हें यह बात पता कैसे चली? तब शिष्य ने गुरु को अपनी बातों को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, जब मैं नदी के किनारे नहा रहा था, तब मैंने एक सुंदर युवती को देखा। मेरा मन तो बहुत देखने को कर रहा था, लेकिन वास्तव में मैं एक बाल ब्रह्मचारी हूँ, मुझे उसे नहीं देखना चाहिए था। पर मैंने अपने मन को ठीक तरह से समझाया कि नहीं, मुझे उसे नहीं देखना है। लेकिन पता है गुरुदेव, मेरा मन ने मुझसे कहा कि एक बार देख लो, एक बार देखने से कुछ भी नहीं होता। मन ने फिर कहा कि अगर मैंने एक बार देख भी लिया तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। मेरे मन ने ना जाने इसी तरह के कितने लालच दिए और कहा देख ले, एक बार तो देख ले। और मैंने उसे देखा, तभी अचानक मुझे पता चला कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। मैंने अपने जीवन में अपने से तो कुछ किया ही नहीं, जो भी मैं कर रहा हूँ यह मेरा मन करवाए जा रहा है, इसमें मेरा अस्तित्व तो कुछ है ही नहीं, मैं तो इसका गुलाम हूँ, और ना जाने मैंने इसकी गुलामी कितने दिनों तक की। अपने शिष्य की ये बातें सुनकर गुरु मुस्कुराए और गुरु ने दोबारा से कहा कि बहुत शीघ्र ही तुमने अपने मन की गुलामी को पहचान लिया, तुम अपने मालिक को पहचान लिए। शिष्य ने कहा कि हे गुरुदेव, अब मैं इनका मालिक बनना चाहता हूँ, यानी कि मैं अपने मालिक को अपने मन को गुलाम बनाना चाहता हूँ, मैं इसे अपने अनुसार चलाना चाहता हूँ, अपने अनुसार जीना चाहता हूँ, ना कि अपने मन के अनुसार। अब आप ही बताइए गुरुदेव, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? गुरु ने अपने शिष्य को घोड़े के पास ले गए और कहा, कुछ देख रहे हो, यह जो तुम्हारे सामने घोड़े हैं ये बिल्कुल भी नियंत्रण में नहीं है। बहुत से लोग आए इन्हें नियंत्रण करने के लिए, लेकिन किसी ने कर नहीं पाया। आज तक इसको कोई नहीं काबू कर सका है, या किसी के काबू में नहीं आता, और इसे ही तुम अपना मन समझो। तुम्हें इस घोड़े को ही काबू में करना है। अगर तुमने इसे काबू कर लिया तो समझना तुम अपने रास्ते पर चल रहे हो, और इसी तरह हजारों घोड़े जब एक साथ एक घोड़े में समा जाए, और उस वक्त उस घोड़े में जो शक्ति उत्पन्न होगी, वो हजारों घोड़े वाले सामान के एक घोड़े को काबू करने में जितनी मेहनत लगेगी, तुम्हें जितनी शक्ति लगेगी, ठीक उतनी ही मेहनत, उतनी ही शक्ति तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करने में लगेगा। लेकिन एक बात याद रखना, जिस तरह तुमने एक घोड़े को काबू कर लिया, उसी तरह तुम हजारों घोड़े वाले शक्ति का एक घोड़ा को भी काबू कर लोगे। ये काम असंभव नहीं है, संभव है, मेहनत लगता है,
कष्ट होते हैं, लेकिन ये काम संभव है। ठीक इसी तरह तुम्हारा मन भी है। मन को काबू करना, नियंत्रण करना असंभव नहीं है, संभव है लेकिन कठिन है। इसे नियंत्रित किया जा सकता है। गुरु की ये बातें सुनकर शिष्य अपने काम में लग गए और वह उसी दिन से उस घोड़े को नियंत्रित करने में लग गया। वास्तव में अगर देखा जाए तो पूरे 6 महीने लग चुके थे और आखिरकार शिष्य ने उस घोड़े को अपने नियंत्रण में कर ही लिया। घोड़े को काबू करने के बाद वह गुरु के पास दोबारा से पहुंचा और कहा, गुरुदेव इस घोड़े को तो मैंने काबू कर लिया है, अब आप ही बताइए कि अपने मन को कैसे काबू करें। गुरु ने शिष्य की बातों को सुनकर उनसे कहा, जैसे ही तुमने उस घोड़े को काबू किया वैसे ही तुम्हें अपने मन को भी काबू करना होगा। गुरु फिर दोबारा से बोले, अच्छा बताओ तुमने उस घोड़े को कैसे काबू किया। शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव यह भागता था तो मैं इसे दोबारा से पकड़ कर ले आता था। यह घोड़ा जितनी बार भागा उतनी बार मैंने इसे पकड़ा, फिर मैंने इसको आंखों के किनारे से ढक दिया ताकि यह घोड़ा सामने ही देख सके, इधर उधर ना देखे। गुरुदेव मुझे मेहनत तो बहुत लगी, मैंने बार बार अपने इशारों से इसे समझाने की कोशिश भी की लेकिन यह नहीं मान रहा था। यह कई बार मुझे नीचे गिराया, मुझे बहुत चोट भी लगी लेकिन मैं हर बार इस पर सवार हुआ। कई बार मैं बुरी तरह से घायल हुआ लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी थी और धीरे धीरे मेरे और घोड़े के बीच एक संबंध बनने लगा। मैं इस घोड़े का मालिक बनना चाहता था लेकिन मुझे बाद में पता चला कि यह घोड़ा ही मेरा सबसे अच्छा मित्र हो गया है, क्योंकि मेरे रोज की क्रिया करने से घोड़ा भी समझ चुका था कि यह मेरे पास आएगा और मेरे ऊपर सवार हो जाएगा। मैं इसे चाहकर भी गिरा नहीं पाऊंगा क्योंकि इसका संकल्प बहुत ही दृढ़ है। फिर अंतिम बार यह घोड़ा जब मेरा मित्र बन ही गया था, अब यह मुझे सही रास्ते पर ले जाता है जिस रास्ते पर मैं जाना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, बस इतना बहुत है, जो तुमने इस घोड़े के साथ किया वही सब अपने मन के साथ भी करना है। फिर तुम देखोगे कि तुम्हारा मन तुम्हारा गुलाम नहीं बल्कि तुम्हारा एक अच्छा मित्र बन चुका होगा। वह तुम्हारी हर बात सुनेगा, तुम जैसा चाहोगे वह वैसा ही करेगा। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जिस प्रकार घोड़े को नियंत्रित करने के दौरान घोड़े ने तुम्हें नीचे पटका, ठीक उसी प्रकार मन को नियंत्रित करने के दौरान भी यह तुम्हें बुरी तरह से पटकेगा। तुम गिरोगे, संभलोगे, फिर गिरोगे, फिर संभलोगे, उसी वक्त तुम्हें हार नहीं मानना है। गुरु की ये बातें शिष्य बिल्कुल समझ चुके थे और उन्होंने गुरु को धन्यवाद देते हुए खुश होकर अपना घर वापस लौट गया। फिर वो शिष्य को लगभग 6 वर्ष लग गए। उन्होंने लगातार साधना की, ध्यान किया, अपने मन को काबू करने की कोशिशें की, लेकिन अंतिम में उन्होंने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ही लिया। अब देखा जाए तो उसका मन उसका गुलाम नहीं था बल्कि उनका एक अच्छा मित्र बन गया था। मित्रों, अगर हमारे लाइफ में देखा जाए तो हम सभी की जिंदगी में भी हम अपने मन के गुलाम बन चुके हैं। हमारा मन हमें जैसा बोलता है हम वैसे करते जाते हैं, हम उनसे सवाल नहीं पूछते हैं। हमारा मन हमें घुमाता रहता है, नचाता रहता है, तरह तरह के लालच देता रहता है, हमें तात्क्षणिक सुख देता है कि ये काम कर लो तुम्हें सुख प्राप्त होगा, और वो सुख हमारे लिए तात्क्षणिक होती है जो कि बड़ा ही मजेदार होता है, लेकिन वो सुख लंबे समय तक नहीं होती। और अंतिम में अगर देखा जाए तो हमें दुखी प्राप्त होता है और जीवन के अंत में हमें ये भी पता चलता है कि हमने अपने जीवन में तो कुछ किया ही नहीं, हमने अपने घर को तो ढूंढा ही नहीं जहां हमें जाना है, बस अपने मन के रंग में खेलते रहें। इसलिए अपने जीवन में जो कुछ भी करो उस काम को करने से पहले यह देखो कि क्या आप खुद वह करना चाहते हो या आपका मन आपसे करवाया जा रहा है। उस काम के प्रति जागरूक बनो क्योंकि जागरूकता ही आपके भीतर से आती है। जब आप जागरूक बनोगे तो आपका मन आपको फंसा नहीं पाएगा। इसलिए ये काम जरूर कीजिए। अपने जीवन में हर छोटे से लेकर बड़े काम तक हर छोटी छोटी बातों में जागरूकता होकर देखिए कि कहीं आपका मन आपको फंसा तो नहीं रहा है, कहीं आपका मन तात्क्षणिक सुख के लिए आपको लालच तो नहीं दे रहा है। जब आप जागरूकता होकर कोई भी काम को देखोगे तब आपको ये पता चलेगा कि ये काम का परिणाम क्या हो सकता है। क्या ये काम करने से किसी को नुकसान तो नहीं होगा, किसी को परेशानी तो नहीं होगी। अपने मन से सवाल कीजिए और ये तभी हो पाएगा जब आप जागरूक होकर अपने मन को देखेंगे, हर विचार को पढ़ेंगे, हर विचार को समझेंगे। फिर आपका मन अपनी जालों में आपको फंसा नहीं पाएगा। फिर धीरे धीरे आपका मन ही आपको सही रास्ता दिखाएगा और वह आपके अनुसार चलेगा जो कि आपको खुशी और संपूर्णता का मार्ग में ले जाएगा। मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या पता आपका एक कमेंट किसी का जीवन बदल दे। और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आप मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस आसानी से पा सके। धन्यवाद।